नमस्कार। जुलाई 2022 में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। यूपी में हर परिवार का बनेगा फैमिली कार्ड, रोजगार और नौकरी में मिलेगी मदद। फैमिली कार्ड को लेकर प्रयागराज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है, डाटा भी उपलब्ध करा दिया गया है और सरकार उन परिवारों को लाभ के दायरे में लाएगी जो अब तक उत्तर प्रदेश की विभिन्न तरह की योजनाओं से वंचित हैं। फैमिली कार्ड बनने के बाद फर्जी कार्ड हो जाएंगे बंद। फैमिली कार्ड में राज्य के लोगों की होगी पूरी जानकारी। इसी संदर्भ में हमारे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के जरिए सीएम योगी ने इस योजना का अनावरण किया। साथ ही सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम का भी अनावरण राज्यपाल महोदया के जरिए किया गया। इन दोनों विषयों पर योगी जी खुद से क्या बोल रहे हैं, इस बात को निश्चित रूप से आप लोग सुने। इति शुभम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक फैमिली कार्ड हम जारी करना चाहते हैं। कौन परिवार ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाएं मिल रही हैं और कौन परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं? जिसको मिल रहा है उसको निरंतरता देना, जिसको नहीं मिल रहा है उसको योजना के साथ जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर उसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये फैमिली कार्ड के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज हम प्रधान यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से हमने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो, और अगले एक वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है।